सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 7 बाइक्स के बारे में, जो आपको 2023 में और 2024 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। इन सभी बाइक्स के लॉन्च होने का इंतजार काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइक जब लॉन्च होगी तो सेगमेंट में आने वाली काफ़ी सारी बाइक की सेल्स को डाउन कर देगी। तो इस वीडियो में हर कैटेगरी की बाइक होने वाली है, चाहे वो क्रूजर हो, ADV हो या फिर नेकेड स्टाइल हो। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को परचेज करने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 150 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पर जो बाइक है वो आएगी क्रूजर सेगमेंट में, और ये बाइक आपको देखने को मिलेगी TVS की तरफ से। फिलहाल में ही इस बाइक का ट्रेडमार्क फाइल हुआ इंडियन मार्केट में, और ये जो क्रूजर बाइक होने वाली है ना, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये बाइक 500 से 650 सीसी कैटेगरी में आएगी, और लॉन्च होने पर कंपटीशन देने वाली है सुपर मेट्रो 650 को और बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक को। लेकिन बाइक में सिंगल सिलेंडर इंजन होगा या फिर ट्विन सिलेंडर इंजन होगा ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन बाइक का जो डिजाइन होने वाला है वो काफी बल्कि होगा। बाइक में आपको पावर काफी अच्छी देखने को मिलेगी, 40 से 50 BHP तक की पावर आएगी बाइक में। और आप सभी को पता है कि TVS ने नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को ओन कर रखा है, तो इस बाइक के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें सेम इंजन देखने को मिल सकता है जो नॉर्टन मोटरसाइकिल्स में यूज किया जाता है। बाकी बात करें हम बाइक के डिजाइन के बारे में, तो इस बाइक का डिजाइन रेट्रो स्टाइल पर बेस्ड होगा। फ्रंट पार्ट में आपको राउंड शेप की हेडलाइट मिलेगी, और मोस्टली जो बाइक का डिजाइन होगा वो TVS की रोनिन बाइक पर ही बेस्ड होगा। बाइक के फ्रंट पार्ट में आपको अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर होगा, और बाइक का जो राइडिंग पोस्चर होगा वो भी अपराइट रखा जाएगा। बाइक थोड़ी सी लो राइड होगी तो शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलने वाली है। टायर आपको बाइक में वाइड मिलेंगे सेगमेंट में आने वाली बाइक से, और बाइक में आपको बड़ा सा 15 से 18 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, और ये बाइक आपको 25 से 30 KMPL का माइलेज देगी। और बाइक के फीचर्स में आपको इसमें डुअल ABS मिलेगा सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में राइडिंग मोड्स होंगे, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी होगी, 6-speed गियरबॉक्स आपको मिलेंगे बाइक में, और बाइक में आपको कंसोल मिलेगा फुल्ली डिजिटल राउंड शेप का, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको TVS की तरफ से एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगी अक्टूबर से नवंबर के मंथ में, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 3 लाख से 4 लाख के एक्शोरूम प्राइस पर। बाकी जो प्राइस की एग्जैक्ट फिगर है वो लॉन्च होने पर ही पता चलेगी, तो प्राइस में वेरिएशन आ सकते हैं। तो अगली बाइक आएगी दोस्तों बेनेली की तरफ से, और ये होने वाली है 250 सीसी कैटेगरी में आने वाली लियोन सिनो। इस बाइक के लॉन्च होने का वेट इंडियन मार्केट में काफी टाइम से करा जा रहा है। लास्ट ईयर बेनेली ने TRK 251 को लॉन्च करा था इंडियन मार्केट में, तो इस साल आपको लियोन सिनो लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और ये बात आप सभी को पता है कि बेनेली फिलहाल में लोअर सीसी सेगमेंट पे ज्यादा काम कर रहा है इंडियन मार्केट में, तो इस बाइक को हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये 2023 में लॉन्च होने वाली है। तो ये जो बाइक है ये आएगी रेट्रो सेगमेंट में, और बाइक में आपको मिलेगा 249.4 सीसी का वाटर कूल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 26.82 BHP की 10,500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 20.5 न्यूटन मीटर का 8,500 RPM पर। फीचर्स में आपको बाइक में डुअल चैनल ABS मिलेगा, 6-speed गियरबॉक्स होंगे बाइक में, और कंसोल आपको बाइक में मिलेगा फुल्ली डिजिटल, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में है 41mm के अपसाइड डाउन फोक, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है, और लाइट्स में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलेगी। और बाइक के टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 110x70mm का, और रियर पार्ट का टायर है 150x60mm का। तो इस बाइक में आपको सेगमेंट में आने वाली सभी बाइक से वाइड टायर मिलेंगे, और डायमेंशन में इस बाइक का ड्राइव वेट है 155 kg का, बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है। 170mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, और इसकी सीट हाइट है 810mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। बाकी बाइक में 12.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और ये बाइक आपको 35 से 40 KMPL का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको 2023 के फोर्थ क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है, और लॉन्च होने पर बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,20,000 से 2,50,000 के एक्शोरूम प्राइस पर। तो अगली बाइक है दोस्तों होंडा की तरफ से, जिसका नाम रखा जाएगा होंडा CB350 ब्रिगेड। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक और बाइक आने वाली है 350cc कैटेगरी में होंडा की तरफ से, और वो बाइक इसी साल लॉन्च होगी। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो क्योंकि ये बाइक आने वाली है राइवल में हंटर 350 के, तो इसका प्राइस रखा जाएगा थोड़ा सा कम बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से। तो जो प्राइस होगा ना बाइक का, वो आपको हंटर 350 के आसपास ही देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड 1,50,000 से 1,60,000 के प्राइस पर। क्योंकि जब से हंटर लॉन्च हुई इंडियन मार्केट में, काफी सारी सेगमेंट में आने वाली बाइक की सेल्स डाउन हो गई है, तो इसी चीज को देखते हुए होंडा ने डिसाइड कर लिया है कि वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आने वाली CB350 की रेंज को लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। तो जो बाइक का इंजन होगा वो सेम रहेगा CB350 हाइनेस वाला, जो है 348cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 21.07 BHP की 500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 30 न्यूटन मीटर का 3000 RPM पर।
बाकी फीचर्स में आपको इसमें सिंगल चैनल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस दोनों ही वर्जन देखने को मिलेंगे प्राइस कट ऑफ की वजह से। मोबाइल फोन कनेक्टिविटी शायद से बाइक में नहीं रहेगी, बाकी जो नेविगेशन है वो भी शायद कट ऑफ कर दिया जाएगा बाइक से। एंड बाकी फीचर्स में बाइक में 5-speed गियरबॉक्स होंगे, कंसोल आपको मिलेगा फुल्ली डिजिटल राउंड शेप वाला जो सेम यूज किया जा रहा है होंडा हाइनेस में, और जो डिजाइन होगा ना बाइक का वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली रखा जाएगा, मतलब बाइक की सीट हाइट कम होगी, बाइक का जो कर्व वेट है उसको कम करा जाएगा। बाकी बाइक आपको दिखने में 70-80% सेम होंडा CB350 हाइनेस जैसी लगेगी। बाकी बाइक में कलर ऑप्शन नए आएंगे, ग्राफिक्स आएंगे एंड लाइट्स में बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स का यूज किया जाएगा। और सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर होगा। और बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर होगा 100x90mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 130x70mm का। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट होगा 150-160kg के अराउंड, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी 160mm की और इसकी सीट हाइट होगी 765mm की जो कि बिल्कुल फेयर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को वेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको दोस्तों बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 12 लीटर की, फिलहाल में होंडा हाइनेस में 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, लेकिन ये जो नई बाइक आने वाली है जो बेस्ड होगी होंडा हाइनेस पे उसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। और ये बाइक आपको 40 km/h का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। ये बाइक आपको होंडा की तरफ से अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। एंड ये बात होंडा ने खुद कंफर्म करी है कि वो 2023 के एंड तक इस बाइक को लॉन्च कर देंगे। तो फिलहाल में अगर आप प्लान कर रहे हो किसी न्यू बाइक को परचेज करने का तो आप होंडा के इस न्यू बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो। तो अगली बाइक है दोस्तों हीरो की तरफ से हीरो करिश्मा XMR 210। तो ये जो बाइक है ना काफी लोग इसके लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है करिश्मा को लेकर मार्केट में, क्योंकि आपको मिलेगा 210cc का लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 25 bhp की, जो सेगमेंट में आने वाली मोस्टली बाइक से ज्यादा है। और इस बाइक का प्राइस भी थोड़ा सा नॉमिनल रखा जाएगा जिससे हर कोई इस बाइक को अफोर्ड कर सके। तो बाइक की ऑफिशियली टेस्ट राइडिंग चल रही थी इंडियन मार्केट में, फिलहाल में इस बाइक के टीजर को भी लॉन्च कर दिया गया है। और फाइनली आपको ये बाइक 29 अगस्त को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। बाकी डिजाइन में आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे जो काफी अग्रेसिव लग रहे हैं, आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। और बाइक का फुल्ली फेयर डिजाइन होने वाला है। बाकी फीचर्स में आपको इसमें मिलेगा डुअल चैनल एबीएस आप सभी की सेफ्टी के लिए, बाइक में होंगे 6-speed गियरबॉक्स, कंसोल बाइक का होगा फुल्ली डिजिटल जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक का यूज किया गया है, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है। बाकी जो बाइक के डायमेंशन है, टायर साइज वगैरह है वो अभी रिवील नहीं हुए है। और अभी सिर्फ दो कलर ऑप्शन सामने आए हैं बाइक के, एक रेड और एक येलो, लेकिन इस बाइक का व्हाइट और ब्लैक कलर भी आएगा जो अभी रिवील नहीं हुआ है। तो हीरो करिश्मा XMR 210 के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये बाइक लॉन्च होने पर सीधा कॉम्पिटिशन दे पाएगी यामाहा R15 V4 को, बजाज पल्सर RS 200 को और सुजुकी जिक्सर SF 250 को? ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना। बाकी हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो लॉन्च होने पर इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जाएगा 2 lakh के प्राइस पर, जो एक्सशोरूम होगा, और ऑन रोड आपको ये बाइक 2,10,000 से 2,20,000 के प्राइस पर देखने को मिल सकती है। तो 2023 के लिए आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगली बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक और 350cc कैटेगरी में आने वाली बाइक शॉटगन 350। तो जैसा कि आप स्पॉटेड इमेजेस में देख रहे हो, बाइक का जो टायर है वो काफी वाइड है और बाइक का जो हैंडल है, राइडिंग पोजीशन है वो अपराइट है और जो बाइक की सीट हाइट है वो काफी लो है। तो ये बाइक आपको पूरा फील देने वाली है बोबर बाइक का, जिसमें आपको सेम 349cc का इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 Nm का। फीचर्स में आपको इसमें डुअल चैनल एबीएस मिलेंगे, 5-speed गियरबॉक्स होंगे बाइक में, कंसोल आपको इसमें मिलेगा सेमी डिजिटल जिसमें आपको सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और एडवांस फीचर में आपको इसमें नेविगेशन मिलेगा, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी रहेगी और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक है और रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्सॉर्बर है। और लाइट्स में बाइक के फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब रहेगा, बाकी साइड इंडिकेटर और टेल लाइट में आपको एलईडी लाइट्स मिलेगी। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट होगा 190-200kg का, सीट हाइट आपको इसमें मिलेगी 765mm की जो बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को वेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको इसमें 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये बाइक आपको 35-40 km/h का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको 2023 के नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,80,000 से 1,90,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। तो अगली बाइक है दोस्तों एप्रिलिया की तरफ से लॉन्च होने वाली एप्रिलिया RS 440। फिलहाल में इस बाइक के इंडियन टू व्हीलर मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट राइडिंग चल रही है और इस बाइक को स्पोर्ट भी करा गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर। तो ये जो बाइक है ना ये कंप्लीट राइवल होने वाली है यामाहा R3 के लिए, KTM RC 390 के लिए और कावासाकी निंजा 300 के लिए।
क्योंकि ये एक कंप्लीट फुल्ली फ्यूल रेसिंग बाइक है और बाइक का जो डिजाइन है ना वो काफी यूनिक है। आप सभी को पता है कि एप्रिलिया डिजाइन के मामले में काफी बेस्ट है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे होते हैं एप्रिलिया के। तो अभी जो इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो रिवील नहीं हुई है, ये बिल्कुल एक नई बाइक होने वाली है, नया इंजन होने वाला है एप्रिलिया की तरफ से। तो फिलहाल में इस बाइक के बारे में ज्यादा कुछ हमें नहीं पता है। फिलहाल में मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा 4 लाख से 4 लाख 50 हज़ार के एक्सशन प्राइस पर और ये बाइक आपको सितंबर से अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। तो आपको इस बाइक के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल में अगर आप प्लान कर रहे हो KTM RC390 को परचेज करने का तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर सकते हो, क्योंकि KTM की तरह एप्रिलिया भी काफी प्रीमियम ब्रांड है। तो अगली बाइक है हस्क्वर्ना की तरफ से 401। इस कैटेगरी में आपको दो बाइक देखने को मिलेगी हस्क्वर्ना की तरफ से, एक स्वॉटप्लेन 401 और एक पिटप्लेन 401। दोनों ही बाइक में 373.2 सीसी के इंजन का यूज किया जाएगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 43.5 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 35 न्यूटन मीटर का। फीचर्स में बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे बाइक में और कंसोल होगा फुल्ली डिजिटल राउंड शेप का जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। तो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक की टेस्ट राइडिंग चल रही है और इस बाइक को स्पॉट भी कर लिया गया है टेस्ट राइडिंग के टाइम पर, जिसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही टाइम में ये बाइक आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,70,000 से 2,90,000 के एक्सशोम प्राइस पर। तो ये जो बाइक है इसमें सेम KTM ड्यूक 390 के इंजन का यूज किया गया है, तो जो बाइक की परफॉर्मेंस होगी ना वो सेम रहेगी KTM 390 वाली। बाकी बाइक के सस्पेंशन में आपको मिलेगा 43mm का अपसर डाउन फोक, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर है और बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स है और बाइक के डायमेंशन में विट प्लेन 401 का वेट वेट होगा 151 kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। बाइक की सीट हाइट होगी 835mm की और आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 9.5 लीटर्स की और ये बाइक आपको 25 km/h का माइलेज देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। और स्वॉट प्लेन 401 में भी आपको सेम डायमेंशन देखने को मिलेगा और लॉन्च होने पर दोनों ही बाइक का प्राइस 3 लाख तक के प्राइस पर रखा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली बाइक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इन बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इन बाइक को परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।